हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं, काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है। आपको थोड़ा क्लोजअप लेकर दिखाना चाहूँगा। कुछ आड़ी और सीधी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं तो नहीं कह सकते, सीधी रेखाएं हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर जो काफ़ी हद तक फ्रेंडली नेचर का इनको शो कर रही हैं। कुछ इस तरह की चलने वाली रेखाएँ इनके हाथ में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, काफ़ी फ्रेंडली नेचर रहेगी। और जो शनि की फिंगर है थोड़ी सी यहाँ पर टिल्टेड हो रही है, थोड़ी सी आइसोलेशन जैसी फीलिंग लाइफ में दे सकती है ये। और ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखें जो इनकी बृहस्पति की फिंगर है और जो सूर्य की फिंगर है, लगभग दोनों इक्वल एक साइज की दिखाई दे रही हैं। तो दोनों की ही अच्छी क्वालिटीज़ इनको मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो सूर्य की तरफ से मिलने वाली अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ और एक अच्छा सोशल सर्कल इनको ज़रूर मिलेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो इनकी तर्जनी है इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रहने वाली हैं। और आगे देखते हैं यहाँ पर इनकी मर्करी फिंगर को। मर्करी फिंगर थोड़ी शॉर्ट हो रही है, थोड़ी शाई नेचर को यहाँ पर यह शो करती है, थोड़ी सी लो सेट है, शॉर्ट है, तो थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में वीकनेस रह सकती है। अदरवाइज कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे रहेंगे लेकिन उनको प्रेजेंट करने में थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। अपने जो दिल की बात है वो सबके सामने खुलकर या नहीं कह पाएंगे और थोड़ी शाई नेचर रहेगी। कुछ इस तरह की नेचर यहाँ से इनकी फिंगर्स से हमें नज़र आ रही है। अदरवाइज काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर यहाँ पर इनकी फिंगर्स के एनालिसिस से मैं देख पा रहा हूँ। आगे देखते हैं इनकी फिंगर्स को सेटिंग को। तो यहाँ पर अगर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की लाइन जो है वो बनकर सामने आएगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइन, जिसमें आप देख सकते हैं जो इनकी मर्करी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अदरवाइज बाकी की फिंगर्स जैसे सूर्य की फिंगर और शनि की काफ़ी हाई सेट हैं, और इवन बृहस्पति फिंगर भी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। काफ़ी प्रोमिनेंट माउंट है जो बृहस्पति का मुझे नज़र आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। व्यक्ति को एक अच्छा घर, अच्छी फैमिली लाइफ बृहस्पति जी के कारण ही मिलता है। तो यहाँ पर हम माउंट्स को चेक करते हैं, वन बाय वन सारे माउंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बृहस्पति माउंट को ही यहाँ पर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं, यहाँ पर दो रेखाएं मुझे नज़र आ रही हैं कुछ इस तरह की, बहुत ही हल्की हैं लेकिन आपको थोड़ा क्लोजअप लुक में नज़र आएंगी। सीधी रेखाएं प्रोग्रेस देती हैं, प्रोफेशन में प्रोग्रेस रहती है, और यहाँ पर एक हल्की कुछ इस तरह की जो सिंपथेटिक रेखा है यह भी दिखाई दे रही है, सिंपथेटिक नेचर रहेगी। और बृहस्पति माउंट खास पर यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, उभरा हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी यहाँ पर नेगेटिविटी मैं बृहस्पति माउंट के ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर यह काफ़ी अच्छा माउंट है इनके लिए, और लाइफ में इसकी वजह से इनको काफ़ी सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति माउंट का प्रोमिनेंट होना व्यक्ति को धन दौलत तो देता ही है, साथ में फैमिली सुख भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्पिरिचुअल नेचर रहेगी इसकी वजह से, और साथ ही साथ यहाँ पर यव का चिन्ह भी बनता नज़र आ रहा है, जो एक अच्छा चिन्ह है। यहाँ पर अंगूठे के ऊपर एक आई जैसा चिन्ह बनना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बुद्धास आई इसको हम कहते हैं, बुद्धास आई कहा जाता है या यव कहा जाता है, कुछ इस तरह का आंख जैसा सिंबल बनना व्यक्ति को काफ़ी स्पिरिचुअल रखता है, और एक तरह से धन योग भी इसको माना जाता है। तो धन की कमी इनको लाइफ में नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं शनि माउंट को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैटर्न थोड़ा सा मुझे फ्लैट नज़र आ रहा है, और जो इनकी लाइन है फेट की लाइन है वह भी यहाँ पर लाइफ के जो लाइफ लाइन के सेंटर से चलती नज़र आ रही है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी रहेगी, काफ़ी प्रोग्रेस लाइफ में करेंगे लेकिन अपनी एफर्ट्स की वजह स्ट्रगल ज़्यादा हो जाती है जब इस तरह से लाइन चलती है, क्योंकि अपनी स्ट्रगल से ही व्यक्ति आगे प्रोग्रेस कर पाता है। तो यहाँ पर जो इनका सैटर्न माउंट है एवरेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और बहुत ही डाउन भी नहीं है, तो अच्छे रिजल्ट इसकी तरफ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रगल और थोड़ी सी मेहनत के साथ ही यह अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स पा सकेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर सूर्य माउंट को, काफ़ी हाई सेट सूर्य माउंट लेकिन बहुत स्ट्रांग सूर्य लाइन में यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ।
सूर्य लाइन अगर हाथ में बहुत स्ट्रांग हो तो बहुत ज्यादा नेम एंड फेम मिलता है। तो यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट तो अच्छे रहेंगे, लेकिन बहुत ही हल्की लाइन है। जो नेम एंड फेम या यश की हम बात करते हैं वो इसी लाइन से देखा जाता है। अगर बहुत स्ट्रांग और डार्क लाइन हो तो बहुत यश मिलता है, बहुत नेम एंड फेम मिलता है। तो लेकिन यहाँ पर यश की थोड़ी सी कमी रहेगी। जो भी यह औरों के लिए भी करेंगे उनका भी रिवार्ड इनको बहुत आसानी से नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर इस तरह की जो सिचुएशन है इस लाइन से बनती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज अच्छा है सूर्य, यहाँ पर इसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते। बात करते हैं मर्करी माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी माउंट के ऊपर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं मैं देख पा रहा हूँ, जो एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लोजअप किया है थोड़ा सा फोटोग्राफ का, तो इस पे यहाँ पर जो लाइंस हैं खड़ी रेखाएं आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करके। काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी, कुछ हल्की लाइंस हैं फोटोग्राफ में दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस तरह की खड़ी रेखाएं होना व्यक्ति को काफ़ी सिंपथेटिक नेचर का करती हैं। हीलिंग पावर्स व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी रहती हैं। जिनके हाथ पर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे हीलर हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं। इनके अंदर सिंपथी की भावना काफ़ी अच्छी रहती है और दूसरों के दुख दूर करना इनको अच्छा लगता है। कुछ इस तरह की नेचर रहती है और इनके शब्दों में भी कुछ ऐसी जान होती है कि ये दूसरों को अगर कुछ अच्छे शब्द बोल देते हैं, सिंपथेटिक वर्ड्स बोल देते हैं, तो उससे भी दूसरों के दुख दूर होते हैं। तो लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं जिनके हाथ पे ऐसी लाइंस होती हैं। काफ़ी सारे लोग इनको इनसे बात करना पसंद करते हैं, इनके साथ रहना पसंद करते हैं और इनके इनसे एक तरह से सलाह मशवरा करना लोगों को अच्छा लगता है। तो इस तरह की हीलिंग लाइंस यहाँ पर होना बहुत ही अच्छी बात है इनके लिए, बहुत ही प्रोमिनेंट करती हैं इस माउंट को। बेशक या थोड़ी सी शाई नेचर इनके अंदर रह सकती है, लेकिन इस तरह की हीलिंग लाइंस होने की वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल भी व्यक्ति का बन जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को, लाइंस इनके बारे में क्या क्या कहती हैं, इस चीज को चेक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखते हैं बाकी के जो माउंट्स हैं मून और वीनस है वो भी कैसे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हार्ट की लाइन की बात करना चाहूँगा। हार्ट की लाइन जो डार्क पोर्शन है वो यहाँ तक मुझे शनि के नीचे तक नज़र आ रहा है, जो इनको काफ़ी हद तक मटेरियलिस्टिक अप्रोच का व्यक्ति बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, मटेरियलिस्टिक नेचर तो कह सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन एक बारीक लाइन यहाँ से निकल कर कुछ इस तरह से जो इनका बृहस्पति माउंट है वहाँ तक भी पहुँच रही है, लेकिन असली जो लाइन है स्ट्रॉन्ग लाइन है वो यहीं तक है। तो मटेरियलिस्टिक नेचर रहेगी, लेकिन साथ साथ आदर्शवादी गुण भी इनके अंदर रहेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल या नहीं रहने वाले, लेकिन इमोशनल सेटबैक्स इनको लाइफ में कई बार मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन का नीचे कुछ इस तरह के ऑफशूट होना व्यक्ति को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाता है। वैसे तो बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर में इनके देख पा रहा हूँ, काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी है, लेकिन इमोशंस और इमोशनल सेटबैक्स की वजह से व्यक्ति को पेन भी मिलता है लाइफ में, क्योंकि ज़्यादातर अफेयर लव अफेयर वगैरह के कारण ऐसे व्यक्ति को लाइफ में काफ़ी लोनलीनेस फील होता है, काफ़ी पेन फील होता है। तो इस तरह के चांसेस यहाँ पर भी इनकी हार्ट की लाइन से दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की लाइन में, काफ़ी क्लियर हार्ट की लाइन है और काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है। आगे देखते हैं माइंड की लाइन को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन इनकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबी लाइन है और अगर आप देखें तो लगभग 20s के आसपास की एज से ही यह इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों लाइंस हैं यहाँ से ही अलग होती हुई नज़र आ रही हैं। जो एरिया है यह 20 के आसपास का, यहाँ पर जो जहाँ से ये बाईफोर्क बन रहा है 20 के अराउंड एज से ही यह अलग हो एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए होंगे और अपने डिसीजंस खुद से लेने इन्होंने शुरू कर दिए होंगे। काफ़ी स्ट्रांग लाइन है, बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है लाइन में और बिल्कुल सीधी लाइन, यानी बहुत ही शार्प माइंड यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और उसके अलावा कुछ ऐसी लाइंस हैं जो इनको थोड़ा डिस्टर्ब करती हुई, माइंड को अपसेट करती हुई, यहाँ पर जो राहु रेखाएं जिनको हम कह देते हैं, यहाँ पर जो कुछ इस तरह की लाइंस जो काटती हुई नज़र आती हैं या टच करती हुई नज़र आती हैं, या व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जैसे मानसिक तनाव या एंग्जाइटी जैसी दिक्कतें दे सकती हैं। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है माइंड की लाइन में भी, बहुत ही क्लियर माइंड की लाइन है, बहुत ही शार्प माइंड इनका मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ।
आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइफ की लाइन को और फेट की लाइन को भी देखते हैं क्या क्या इंडिकेशन देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफ़ी क्लियर है, कुछ नीचे की तरफ चलने वाले ऑफशूट्स भी हैं और साथ में स्पोर्टिव लाइन है, मंगल रेखा जिसको हम कह देते हैं, तो काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी रहेगी अंदर की तरफ मंगल रेखा का होना और इस तरह की लाइफ की लाइन का फोर्क में चेंज होना विदेश यात्रा और विदेश में लॉन्ग स्टे को शो करता है। लेकिन ज़्यादा मेजर जो लाइन है इनकी वह है वापस वीनस की तरफ मुड़ती हुई, तो यह भी चांसेस रहेंगे कि विदेश में लंबा समय स्टे करने के बाद यह अपने होम कंट्री में आकर बसना पसंद करेंगे, कुछ इस तरह की नेचर इनकी रहेगी और चांसेस बनेंगे और लाइफ में यह दो जगह पर सेटल हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही जो फोर्क हैं दोनों ही ब्रांचेज हैं काफ़ी स्ट्रांग हैं, दोनों में से एक ज़्यादा स्ट्रांग हो और एक ब्रांच कम स्ट्रांग हो तो उसके चांसेस ज़्यादा हो, लेकिन इनके केस में क्या हो रहा है दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग है। यह ब्रांच भी अगर आप ध्यान से देखें तो यह भी बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग स्टे शो कर रही है और दूसरी जो वापस मुड़ने वाली लाइन है यह भी बहुत स्ट्रांग है, तो चांसेस रह सकते हैं कि ये वापस आ सकते हैं। कंप्लीट लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी जो एज है वो लगभग मुझे 80 के आसपास की नज़र आ रही है, 80 के आसपास की लाइफ को ये एंजॉय कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी मंगल रेखा होने की वजह से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी रहते हैं या खुद की प्रॉपर्टी ये काफ़ी अच्छी बना सकते हैं। वीनस माउंट यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, उभरा हुआ है, बिना वरी लाइंस के है, तो काफ़ी अच्छी सुख सुविधाएं इनको लाइफ में बहुत इजीली मिल सकती हैं। हर तरह की जो लग्जरीज होती हैं लाइफ में, कंफर्ट्स होती हैं, वो वीनस की तरफ से मिलते हैं, तो वीनस का अच्छा होना यहाँ इनके लिए काफ़ी शुभ माना जा सकता है। और मून एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, ट्रैवल की लाइंस हैं, ऊपर की तरफ उठती हुई लाइंस इनको काफ़ी ट्रैवल करवाएंगी और एक लाइन का अगर भाग्य रेखा से जुड़ना यहाँ पर बाहरी स्पोर्ट को शो करता है, विदेशी इनकम भी इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो यहाँ पर यह काफ़ी अच्छे और शुभ चिन्ह है इनके लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं सेल्फ मेड पर्सनैलिटी और बाहरी स्पोर्ट, विदेश से इनकम के चांसेस और काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो लाइन है इनकी फेट लाइन, तो इसकी वजह से इनको काफ़ी इनकम भी इनकी अच्छी रहेगी और यहाँ पर एक स्ट्रांग मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ लाइंस हैं इनसे एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ जो फेट लाइन है और माइंड लाइन है और बुध रेखा है, इन सबसे मिलकर एक मनी ट्रायंगल अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो पैसे की कमी भी यहाँ पर इनको लाइफ में कभी नहीं होनी चाहिए। तो यह कुछ एनालिसिस इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश रहती है कि सारे सवालों के जवाब की वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।